नमस्कार विद्यार्थियों, आज अपन प्रश्न क्रमांक 7वां हल करेंगे। तो अपन 6 प्रश्न के पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें प्रश्न था निम्नलिखित द्विघात व्यंजकों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की जांच कीजिए। तो अपन संबंधों की जांच आप लोग स्वयं करोगे विद्यार्थियों, मैं सिर्फ यहाँ इसके शून्यांक ज्ञात कराऊंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8वां, इसमें अपन क्या निकालना है, शून्यांक ज्ञात करना है। इसमें बच्चों आप इसकी सत्ता की जांच आप स्वयं करोगे, ठीक है। तो इसमें निकालना है क्या, शून्यांक निकालना है, क्या मानेंगे, जिसको हम 3 बराबर क्या मानते हैं, 0, ठीक है। अब इसका अपन पक्षांतर करेंगे, क्या आएगा, स्क्वायर बराबर माइनस की स्क्वायर यानी प्लस की 3 हो जाएगा। एक्स बराबर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे करने लगा देंगे, तो इसका आंसर किसमें आएंगे, 2 में आएंगे, प्लस में और माइनस में, दोनों चिन्हों में इसके आंसर आएंगे। यहाँ से लेंगे प्लस लेने पर प्लस चिन्ह लेने पर किया जाएगा अपना एक्स बराबर करने के अंदर और माइनस चिन्ह लेने पर लेने पर किया जाएगा अपना एक्स बराबर बहुपद के शून्यांक क्रमशः करने के अंदर 3 बार माइनस करने 3 है। इस प्रकार अपना प्रश्न क्रमांक 8वां कंप्लीट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है अपना 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है 4x² - 3x - 1 = 0। शून्यांक निकालना, इसलिए बराबर में 0 लेंगे, ठीक है। देखेंगे 4x² - 3x - 1 = 0, गुणा करने पर बने कितने लाना है, माइनस के 4x², जोड़ो घटाओ तो माइनस के 3x, मतलब बड़ी संख्या बने किसकी लेना है, माइनस की। तो चार में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, और 4 का गुणा प्लस 1 में करेंगे माइनस 4 का, तो 4x² - के आएंगे। इसको ऐसे देख सकते हैं 4x² - 4x - x - 1 = 0, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा अपना 4x, तो अंदर बचेगा x - 1, ठीक है। कितना आ जाएगा, x - 1, सॉरी अपन किसके लेना है, x प्लस के लेना है, सभी तो घटाएंगे, 4x कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x - 1 = 0, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, जब कॉमन आएंगे इन दोनों में से, ये कॉमन आएंगे दोनों में से, तो क्या आएगा x - 1, तो अंदर आ जाएगा अपना 4x + 1 = 0, या तो x - 1 = 0, या इसके बराबर 0 माने क्या आएगा x = 1, या तो 4x + 1 = 0, पक्षांतर करेंगे तो 4x - 1, तो आ जाएगा x = 1/4, अतः करके लिख देंगे अतः द्विघात द्विघात बहुपद के शून्यांक क्रमशः 1/-1/4 है, क्या अपना आंसर। प्रश्न क्रमांक 9वां कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है अपना 10वां, 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न है अपना 3x²
प्लस की 4x माइनस 4 शून्य निकालने से क्या लिखेंगे इसके बराबर में 0। तो ये 3x स्क्वायर प्लस की 4x माइनस 4 बराबर 0। गुणा करने में कितने ला रहा है अपने माइनस के 12x स्क्वायर, जोड़ो घटाओ तो कितने आना चाहिए प्लस के 4x। ठीक है, तो 12 किस मन से बारे बात है, 6 दूनी 12, यदि 6 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 4x बचेंगे। तो अपने मतलब बड़ी संख्या किसकी लेना है अपने लिए, बड़ी संख्या लेना है अपने प्लस की, प्लस की चाहिए इसकी बड़ी संख्या 6 प्लस की लेंगे और छोटी संख्या अपन माइनस की लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन 3x, 3x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 3 दूनी 6, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 0। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे अपन तो क्या आएगा अपना ये x प्लस 2 और अंदर बचेगा 3x माइनस 2 बराबर 0। या तो x प्लस 2 बराबर 0 क्या आएगा x बराबर माइनस के 2, या तो 3x माइनस बराबर 2/3 शून्य क्रमशः माइनस 2/2/3 है। इस प्रकार अपना प्रश्न क्रमांक पहले का 10वां कंप्लीट हुआ। प्रिय विद्यार्थियों आप इसको नोट कर सकते हैं। अपना अगला प्रश्न है 11वां जिसमें दिया है 5t का स्क्वायर प्लस के 12t प्लस 7। यहाँ पे लिखेंगे हल 5t का स्क्वायर प्लस के 12t प्लस 7 शून्य निकालना, इसलिए बराबर में क्या मानते हैं अपन 0 मानते हैं बेटा। गुणा करने पर आपके लिए कितने लाना है 33 लाना है, गुणा करने पे प्लस के 33 पर लाना है और जोड़ो घटाओ तो कितने आना चाहिए 12। तो 7 और 5 12 होते हैं और 7 का 5 में गुणा करेंगे तो अपने आएंगे 35। यहाँ से लिखेंगे 5t स्क्वायर प्लस के 7t प्लस के 5t प्लस 7 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में एक से क्या दिख रहा है टी, तो अपन टी कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5t प्लस 7। यहाँ से कॉमन बचेंगे कितना आएगा 1, एक कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 5t प्लस 7 बराबर 0। इन दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा इन दोनों कॉमन 5t प्लस 7 कॉमन लेंगे यहाँ पर बचेगा अपना टी और यहाँ पर प्लस का एक तो बच जाएगा टी प्लस एक बराबर 0। या तो 5t प्लस 7 बराबर 0, अब चंदे करेंगे 7 का तो 5t बराबर माइनस के 7, प्लस की बराबर किस तरह पाएंगे तो माइनस के 7 आ जाएगा अपना टी बराबर माइनस 7/5। या तो टी प्लस 1 बराबर 0,
एक का पक्षांतर करेंगे तो टी बराबर हो जाएगा एक। अतः लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यंक क्रमशः माइनस सात बटे पांच व एक है। इस प्रकार अपना पहले का प्रश्न क्रमांक ग्यारहवा कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है बारहवा प्रश्न अपना 2x² प्लस के 7/2 एक्स प्लस 3/4। यहाँ पर लिखेंगे हल, शून्यांक ज्ञात करना है, इसके बराबर क्या लिख देते हैं। तीन बटे चार बराबर में लेंगे जीरो। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पर अपना एलसीएम बेटा चार आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, चार। एक का भाग देंगे चार में तो चार बार जाएगा, चार का गुणा दो में तो चार दूनी 8x² प्लस दो का भाग देंगे अपन चार में कितना आ जाएगा, दो बार। दो का गुणा ऊपर कितने लिखे हैं, सात, तो सात दूनी 14x। फिर प्लस लगाए, प्लस लगाएंगे चार का भाग चार में देंगे कितने आ जाएगा, एक बार। एक का गुणा तीन में, तीन एकम तीन बराबर जीरो। क्रॉस गुणा करेंगे इसका तो क्या जाएगा, अपना जाएगा अपना 8x² प्लस के 14x प्लस 3 बराबर चार के जीरो करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब अपने लिए गुणा करने में कितने लाना है, प्लस के 24x² गुणा करने पे लाना है 24x², जोड़ो घटाओ तो कितने आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है, तो 24 12 दूनी 24, 12 और 2 14, तो कैसे टूट जाएगा जी अपना 8x² प्लस के 12x प्लस के 2x प्लस 3 बराबर 0। तो आ जाएगा यहाँ से कॉमन कितना आएगा अपना 4x, 4x कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8 मतलब 2x बचेगा यहाँ पर, प्लस 4 किया 12, यहाँ पे आ जाएंगे 3 प्लस, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आया तो कितना लेंगे 1, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों में से अपन एक कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आएगा यहाँ से अपना 2x प्लस के 3, तो अंदर बचेगा अपना 4x प्लस का 1 बराबर 0। या तो 2x प्लस 3 बराबर 0, इसके बराबर 0 मानेंगे, 3 का पक्षांतर करेंगे, आएगा 2x बराबर प्लस का है, बराबर किस तरफ जाएगा तो माइनस के 3, आएगा x बराबर माइनस 3 बटे में आ जाएंगे 2, तो क्या आ जाएगा x का मान 3/2। या तो 4x प्लस 1 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे तो आएगा 4x बराबर प्लस का है तो माइनस का 1, क्या आएगा x बराबर माइनस 1/4। अतः करके लिख देंगे अतः द्विघात बहुपद के शून्यंक क्रमशः माइनस 3/2 का माइनस 1/4 है। इस प्रकार अपना प्रश्न क्रमांक पहले का 12वां प्रश्न कंप्लीट हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस प्रश्न को नोट कर सकते हैं।